पहले हम मुआशरे को समझते हैं कि मुआशरा कहते किसे हैं। हम जिस माहौल में लोगों के साथ जिंदगी गुजार रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक और शाम से लेकर सुबह तक जिन लोगों के साथ हमारा उठना बैठना चलना फिरना सोना जागना कारोबार तिजारत लेन देन होता है, इसको मुआशरा कहते हैं। और मुआशरा बनता है कम से कम तीन लोगों से, इससे कम से मुआशरा नहीं बन सकता है। एक आदमी अगर आपस में मिले तो इसको मुआशरा नहीं कहते, दो आदमी अगर मिले तो इसको मुआशरा नहीं कहते। मुआशरा की तारीफ तब मुकम्मल होगी जब कम से कम तीन अफराद होगी। तो तीन अफराद जब आपस में काम करते हैं, उठना बैठना करते हैं, लेन देन करते हैं, और फिर तीन से ऊपर जब लोग मिलते हैं तो एक मुआशरा बनता है। अब आप देखो कि इस जलसे का नाम है इस्लाह मुआशरा। इससे पता ये चला कि आपने मान लिया कि हमारे माहौल में, हमारे मुआशरे में, हमारे लोगों में कुछ बुराई पैदा हो गई है, उसके इस्लाह की जरूरत है, उसके इस्लाह की जरूरत है। इसलिए जलसा रखा गया कि उलमा को बुलाकर मुआशरे की गंदगी साफ करवाएं। तो अगर मुआशरे में गंदगी आई है, मुआशरे में अगर बुराई आई है, तो जाहिर बात है कि उसके जिम्मेदार हम होंगे, चूंकि हमसे बना है मुआशरा। जमीन अपने एतबार से गंदी नहीं होती, हवाएं जो चलती हैं वो अपने एतबार से गंदी नहीं होती, जिस माहौल में हम रह रहे हैं वो माहौल गंदा नहीं होता, आसमान से बरसने वाला पानी खुद गंदा नहीं होता, इनसे फायदा उठाने वाले लोग गंदे होते हैं, और जिसकी गंदगी की बुनियाद पर मुआशरा बिगड़ता है। तो अब इसकी इस्लाह करना है। तो इस्लाह कैसे होगी? जब मुआशरा जिन लोगों से बना है उन लोगों के अंदर से गंदगी का खात्मा हो और बुराई का खात्मा हो। अब हमारे माहौल में जितनी बुराई है, हम अगर उसको उंगलियों पे शुमार करना चाहें तो चार जलसे हो जाएंगे, आप शुमार नहीं कर सकते हो। हमें झूठ बोलने की आदत हो गई, हमें रिश्वत खाने की आदत हो गई, हमें चोरी करने की आदत हो गई, हमें नमाज छोड़ने की आदत हो गई, हमें झूठी कसम खाने की आदत हो गई। हमारे अंदर एक बुराई आप उठा करके देख लो, अगर नजर आ जाए और कह दो कि मौलाना हमारे अंदर ये बुराई है, नजर की हिफाजत हम लोग कितनी करते हैं यह हमें मालूम है। सुबह से लेकर शाम तक बाजार के अंदर हमने कितनी गैर औरतों को देखा ये हमें मालूम है। बोलने की जरूरत, वो हमारी आंखें जानती हैं और हमारा रब जानता है। कितनी नमाजें हमसे छूट रही हैं ये हमें मालूम है, बोलने की जरूरत नहीं है। कितना हम लोगों को धोखा देते हैं ये हमें मालूम है। तो जाहिर बात है कि जब इतनी बुराई हमारे मुआशरे के अंदर आ गई तो इस्लाह के लिए एक जलसा काफी नहीं हो सकता है, बार बार करना पड़ेगा, और बार बार अहले इल्म को, अहले दिल को, उलमाए रब्बानी को बुलाना पड़ेगा। जब तक के बीमारी आखिरी हद तक ना आ जाए डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। अगर डॉक्टर के बताए हुए कोर्स को बीच में छोड़ा और फिर दोबारा जाकर कहोगे डॉक्टर साहब पेट का दर्द फिर शुरू हो गया, तो डॉक्टर कहेगा तुमने कोर्स पूरा नहीं किया। यही कहेगा ना डॉक्टर,
तो कोर्स पूरा करना बीमारी दूर करने के लिए ज़रूरी है। तो मुआशरे की बुराई जब तक ख़त्म ना हो जाए मुख्तलिफ अंदाज से प्रोग्राम करना ज़रूरी है। मेरी नजर में माशरे की तमाम बुराइयों में जो सबसे बड़ी बुराई है, तमाम बुराइयों का जो बुराई इमाम है, तमाम गंदगियों का जो बुराई इमाम है, जो सबसे बड़ी बुराई है मुस्लिम माशरे के अंदर, हम उसे अखलाक की कमी कहते हैं। अखलाक की कमी। हालांकि हमें पता है कि इस्लाम की आमद से पहले अरब का मुआशरा जितना गंदा था, अब कयामत तक दुनिया का मुआशरा उतना गंदा नहीं हो सकता है। लेकिन आप बताओ, खुदा के घर में बैठे हो अल्लाह को गवाह बनाकर कि उस गंदे मुआशरे की इस्लाह मेरे आका ने कैसे किया है? डंडा मारकर, गर्दन उड़ाकर, रिश्वत देकर, लालच देकर नहीं, कैसे किया है? पूरे कुरान को आप देखो, पूरे हदीस को आप देखो, पूरी सीरत का आप मुताला करो, अल्लाह गवाह है के पूरे गंदे मुआशरे की इस्लाह और दुनिया को कुफ्र से निकालने का रास्ता, दुनिया को बुतों के पूजा से निकालकर खुदा की इबादत पर लाने की वजह सिर्फ और सिर्फ हमारे आका का प्यार है, अखलाक है, मोहब्बत है और दूसरी कोई चीज। अगर आपके इल्म में हो किसी के, किसी किताब में देखा हो तो मुझे बता दो, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 200 रियाल दिया और कोई कलमा पढ़ लिया, आका ने 100 रियाल दिया और कोई नमाजी बन गया, आका ने पैसे दिए और उसके बाद इस्लाह हो गए? नहीं। मशरिक से लेकर मगरिब तक, शमाल से लेकर जुनूब तक, दोस्तों आज जहां भी कलमा पढ़ने वाला आपको नजर आ रहा है, अहले ईमान नजर आ रहा है, कुरान वाला नजर आ रहा है, मुस्तफा का दीवाना नजर आ रहा है, वो सिर्फ मेरे आका की मोहब्बत का इनाम है, आपके ऊंचे अखलाक का इनाम है। मेरे आका का अखलाक, और कुरान ने खुद कहा कि मेरे महबूब अगर आपका अखलाक अच्छा ना होता तो अबू बकर को सदाकत ना मिलती, आपका अखलाक अगर अच्छा न होता तो उमर को अदालत न मिलती, आपका अखलाक अगर आला न होता तो उस्मान को सखावत न मिलती, आपका अखलाक अगर आला न होता तो हैदर कर्रार को करामत न मिलती और 100,000 सहाबा को रजी अल्लाह की सनद न मिलती, और आपकी उम्मत को उम्मत खैर की सनद न मिलती। आपका अखलाक है जिसने अबू बकर को सादिक बना दिया, सदाकत का इमाम बन गया, ये आपका अखलाक है कि उमर अदालत का इमाम बन गया, ये आपका अखलाक है कि उस्मान सहाबत का इमाम बन गया, ये आपका अखलाक है कि अली करामत का और जुरहत का इमाम बन गया, ये आपका अखलाक है कि सहाबा रजी अल्लाह अन्हुम बन गए, ये आपका अखलाक है कि आपकी उम्मत उम्मत खैर बन गई। एक लाख 24,000 सहाबा की जमात है ना, है नहीं है? बोलो है ना? एक छोटा सा कोई सहाबी, एक सहाबी, एक दिन का सहाबी, एक मिनट का सहाबी, आप बता सकते हो कि जिसने पैगंबर के गुस्से को देखकर या तलवार को देखकर डर करके कलमा पढ़ा हो? है? एक मर्तबा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाना तनावुल फरमा रहे, मस्जिद नबवी में बैठे थे,
और खाना तनाबुल फरमा रहे हैं, सामने से एक तवायफ गुजर रही थी, मदीने की बात है। कौन गुजर रही थी? तवायफ। उसकी जो नजर पड़ी चेहरे नबुव्वत पर, तो उसने तंजिया अंदाज में एक जुमला कहा, तंजिया अंदाज में एक जुमला कहा, कहा कि देखो खुद को नबी कहता है और पेट भरकर खुद खा रहा है, सामने वाले की तो इसको फिक्र भी नहीं, मैं भूखी जा रही। अब एक बात बताओ, कलेजे पर हाथ रख करके कि गुजरात के किसी सेठ को अगर कोई बाजारी औरत इतना बड़ा जुमला कह दे तो सेठ साहब क्या करेंगे? फूल का हार पहनाएंगे, मर्सिडीज कार पे बैठाएंगे? और अगर कोई हम जैसे दो कौड़ी के मौलवी को इतनी बड़ी बात कह दे हाथ रोक करके गाड़ी सामने आकर के, तो हम क्या करेंगे? नाक जो है ना चौड़ी हो जाएगी गुस्से में, मेजबान से कहेंगे तुम्हें शर्म नहीं आ रही ऐसी औरतें इतनी बड़ी बात बोल रही है। अल्लाहु अकबर व कबीरा, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इशारा किया, अपने हाथ को रोक कर फरमाया आओ तुम भी बैठो, मैं तुम्हारे लिए भी खाना मंगाता हूं। एक लाख चौबीस हजार नबियों का इमाम है, मकसूदे कायनात है, मेराज का दूल्हा है, कलामे मुकद्दस जिस पे नाजिल हुआ, इतना आला पैगंबर, इतना ऊंचा पैगंबर, अपने हाथ को रोक कर फरमाया खाना लेकर आओ, तवायफ सामने नबी के बैठी है। आज मेरी तेरी ये हालत हो गई, कोई बंदा नमाज छोड़े हमें उससे नफरत हो जाती है, कोई शराब पीना शुरू कर दे हमें उससे नफरत हो जाती है, कोई बंदा गुनाह करे हम उंगलियां बताकर उसका गुनाह बताया करते हैं। खुदा की कसम इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोगो गुनाह से नफरत करो, गुनाह करने वाले से नहीं। नमाज छोड़ना गलत है, बेनमाजी से नफरत ना करो। तुमने अगर नमाज छोड़ने की वजह कर उसे छोड़ दिया, अंदाजा लगाओ फिर सजदे की दावत कौन देगा, मस्जिद की तरफ कौन बुलाएगा। तुमने शराबी के नशे को देखकर नफरत किया, फिर जरा ये बता अल्लाह का पैगाम शराबी को कौन सुनाएगा। बाजारी औरतों से नफरत करोगे, जिस्म फरोश औरतों से नफरत करोगे, कुरान को मानती है, अल्लाह के नबी के फरमान को मानती है, कलमा तौहीद पढ़ती है, उसके पेट की मजबूरी ने वो काम करवाया, अगर तुम नफरत करोगे अंदाजा लगाओ दीन की तबलीग कौन करेगा। इसलिए गुनाह से नफरत करो, गुनाह करने वाले से। खुदा की कसम खाकर कहता हूं मेरे रब का घर है ये, गुनहगार को जब तुम कलेजे से लगाते हो उसका जिगर फट जाता है कि मेरा अल्लाह कितना मेहरबान है उन पर, फिर वो तौबा करता है। तवायफ आ गई, सामने बैठ गई, मेरे आका ने फरमाया भाई मेहमान आ गए इनके लिए खाना ले आओ। तवायफ थी बड़ी अकल वाली, कहने लगी नाना मैं दूसरा खाना नहीं खाती और तेरे प्लेट का भी नहीं खाऊंगी, फिर क्या खाएगी? तो कहा कि तेरे मुंह के अंदर जो रोटी का टुकड़ा है वो निकाल कर दे, मैं वो खाऊंगी।
बड़ी अकलमंद थी, सब कुछ जानती थी। अल्लाह अकबर और कबीरा हदीसे पाक में आता है, मेरे आका ने निकालने के लिए यूं मुंह खोला, तवायफ ने तेजी दिखाई, पैगंबर के नबूवत वाले मुंह में हाथ डाला। ओ गुनहगारों को नीची नजर से देखने वालों, गुनहगारों से नफरत करने वालों, कयामत तो आ सकती है मगर ये मकाम तुम्हें नहीं मिल सकता है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने रोटी निकाली, तवायफ के मुंह में डाला। उलमा ने लिखा है एक तरफ से रोटी का लुकमा गया, दूसरी तरफ से ईमान भी अंदर गया। रोटी का लुकमा बाद में अंदर गया और कहने लगी रो करके, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, कहने लगी मेरे महबूब मेरे आका सच का कहने वालों ने, आमना का दुर्रे यतीम बड़ा करीम है, आमना का दुर्रे यतीम बड़ा रहम वाला है, और इमामुल अंबिया कयामत तक के लिए गुनाहों से तौबा करती हूँ। कलमा पढ़ा कर मुझे अपनी गुलाम बनाओ, कलमा पढ़ा कर मुझे अपना लो, कयामत का दिन होगा गवाही दे देना, मैं जिंदगी भर गंदी काम करती रही मगर आप पर मैंने कलमा भी पढ़ा। चार दिन की तहज्जुद हम क्या पढ़ लेते हैं कि जमाने का जुनैद बगदादी समझ बैठते हैं, मेरे अलावा सब गुनहगार। दो चार चिल्ले क्या लग गए, एक आठ साल क्या लग गया कि बाकी जितने हैं वो सब के सब निकम्मे नजर आने लगते हैं। ये बीमारी अपने अंदर से निकालो वरना खुदा की कसम मौत से पहले कलमा नसीब नहीं होगा। अल्लाह को सबसे ज्यादा गुस्सा तब आता है जब कोई अल्लाह की अदना मखलूक को भी नीची नजर से देखे, और इंसान को छोड़ो, कलमा पढ़ने वाला को छोड़ो, रब्बे काबा की कसम हदीस उठा कर देखो, अगर रास्ता चलते हुए नाले में बैठकर पखाना खाने वाले खंजीर को भी गलत नजर से देखा, नीची नजर से देखा, अल्लाह ताला जहन्नम में डाल। बातें करते हैं क्या हक है हमें, और 500 साल तक अल्लाह की इबादत करने वाला वली कामे जहन्नम में चला गया। एक गलती, कायनात का कोई खिता कोई जर्रा जिसके सजदे से खाली नहीं, वो इब्लीस एक बुनियाद पर जहन्नम में चला गया, उसकी नस्लें जहन्नम में चली गई। वो हमारा तहज्जुद, हमारी नमाजें, हमारा चिल्ला, हमारा हज, हमारी ज़कात, हमारा खैरात, कौन होता है जो हमें जन्नत की सनद दे दे, जन्नत का टिकट दे दे। और आज जो हम पर हिंदुस्तान के अंदर हालात आ रहे हैं, आज जो हमारी हालत हो रही है, इसकी सबसे पहली वजह यह है कि अखलाक हमारा खत्म हो गया, मोहब्बत हमारे अंदर से जुदा हो गई। और इस्लाम का सबसे मजबूत तलवार है कौन सा, अखलाक, प्यार, मोहब्बत। यह वो तलवार है कि जिसके रास्ते से आप
दुनिया को फतह कर सकते हो, कायनात पर हुकुमरानी कर सकते हो, जब तक हमारा अखलाक अच्छा नहीं होगा दुनिया पे हुकूमत हमारी नहीं हो सकती। समामा नाम का एक नौजवान गवर्नर ईसाई था, 20-22 साल की उम्र की, सहाबा से जंग हुई, मुकाबले में वो गवर्नर गिरफ्तार हो गया। क्या हुआ? गिरफ्तार हो गया। शौक से सुन रहे हैं ना आप लोग, कोई परेशानी तो नहीं? मेरी जबान भी ठीक ठाक चल रही है ना। बेपनाह स्मार्ट था, खूबसूरत था, बहुत ज्यादा खूबसूरत और जवान था। ये सीना तो सहाबा गिरफ्तार करके ले आए और मस्जिद नबवी में जो खंबा था ना, उस खंबे से कस के बांध दिया रस्सी। थोड़ी देर में आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। अब देखो जरा, फरमाया कि समामा खैरियत से हो, मेरे सहाबी ने कोई तकलीफ तो नहीं पहुंचाया? तो कहने लगा, गिरफ्तार करके खैरियत पूछते हो, शर्म नहीं आ रही? ओ, अब बताओ कि समामा का कोई रिश्तेदार था क्या मदीने में वहां पर? बोलो, था कोई? समामा का कोई दोस्त था क्या? और दूसरी तरफ उमर जैसा सख्त आदमी खड़ा है, एक तरफ अबू बकर खड़े, दूसरी तरफ उस्मान, तीसरी तरफ अली, ऐसे ऐसे इस्लाम के कमांडर इन चीफ खड़े हैं। और बीच में मेरे महबूब ने जब खैरियत पूछा तो जवाब सुनो, हम और आप होते हैं दो मिनट की सबर नहीं होता, डेढ़ घंटा की डेढ़ घंटा मरे या जिए, क्योंकि दुश्मन है, मुकाबला करके आया है, गिरफ्तार होके आया है। लेकिन क्या कह रहा है कि गिरफ्तार करके खैरियत पूछते हो, चले जाओ यहां से, न तुम्हारी खैरियत की मुझे जरूरत है, न तुम्हारे दुआ सलाम की जरूरत है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे सहाबा ने कोई तकलीफ दिया है? तो कहा कि तेरी तकलीफ का भी हमें कोई मतलब नहीं है और तुम्हारी तकलीफ से भी हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, समामा बड़ा गुस्से में नजर आता है, बड़ा तेज नजर आता है, अच्छा एक काम करो, जरा अखिया उठा कर मेरी शक्ल को देखो, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मैं क्यों कहता हूँ, अंदाजा तो लगा। एक तरफ समामा के गुस्से का अंदाजा लगा और दूसरी तरफ आमना के लगते जिगर के सबर का अंदाजा लगा। पैगंबर मुस्कुराता जा रहा है, गुलाब की पंखड़ियों की तरह लबो रुखसार पर मुसने इंसानियत के सुर्खी मायल हो रही है, बार बार मुस्कुराते जा रहे हैं। फरमाया, समामा जरा एक नखिया किया उठा कर तो देख ले, एक नजर उठा कर तो देख ले। समामा कहता है, ओ जा जा, मैं तुझे क्या देखो, मैंने दुनिया के हसीन लोगों को देखा है, तेरी औकात क्या है? तुझे क्या देखो, तू कैसा है, चला जा, मैं कोई देखने वाला नहीं। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अच्छा मुझे नहीं देखेगा तो एक काम कर, मेरे शहर मदीना को देख ले। कहने लगा, मैंने अरब को देखा है, मैंने कुवैत को देखा है, मैं बहरैन को देखा है, मैंने दुनिया को देखा है, वो मदीने को क्या देखो, दुनिया के सबसे गंदी जगह तेरा शहर है। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ नहीं कहा,
मुस्कुराते जा रहे हैं। जवाब देखो, जबकि चाहते तो क्या नहीं कर देते, उसका कीमा बना देते। अगर इशारा कर देते उमर की तरफ ना, तो सिकंद में गर्दन उतर जाती। और इसी को अफ़ो दरगुजर कहते हैं। क्या कहते हैं? अफ़ो दरगुजर। जिस आदमी से बदला लेने की ताकत हो उसे माफ कर देना, ये अफ़ो कहलाता है। क्या कहलाता है? थोड़ा बोलो, थोड़ा साथ दे दो बस। इसे क्या कहते हैं? जिस आदमी से बदला लेने की ताकत न हो और जबरदस्ती कहे कि हमने उसको छोड़ दिया, तो कौन सा कमाल किया भाई? तो कोई कमाल किया है? इसको अफ़ो दरगुजर नहीं कहते। बदला लेने का मौका था, बदला लेने की ताकत थी, लेकिन बदला नहीं लिया, अल्लाह के लिए माफ किया, तो इसको कहते हैं अफ़ो दरगुजर। अब बताओ कि मेरे आका समामा से बदला ले सकते थे या नहीं? समामा से बदला ले सकते थे या नहीं? लेकिन बदला लिया है। खामोश है, मुस्कुरा रहे। समामा ने कहा, मैं तुझे नहीं देखता, मैं तेरे शहर को भी नहीं देखता, चला जा यहां से। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराते हुए चले आए। पहला दिन गुजर गया, दूसरे दिन गए, यही कहा, उसने यही जवाब दिया, फिर वापस आ गए। तीसरे दिन गए, फिर कहा, उसने यही जवाब दिया, वापस आ गए। चौथे दिन आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सहाबा एक काम करो, बड़ा तेज दिमाग का लगता है, इसको मदीने से बाहर ले जा करके छोड़ दो, ताकि ये अपने गाँव अपने शहर वापस चला जाए। वापस चला जाए। साहबा आए, रस्सियां खोल दी। अंदर अंदर उमर को गुस्सा भी आ रहा था कि लकी चांस गड़बड़ हो गया। भाई मामूली कोई कांस्टेबल थोड़ी था, वो तो अपने मुल्क का गवर्नर गिरफ्तार हो गया था। बहरहाल खोल दिया, शहर से बाहर ले जाकर छोड़ दिया। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा। समामा थोड़ी देर गुजरी, थोड़ा लम्हा गुजरा, इधर इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में कच्ची जमीन पर सहाबा के साथ बैठे। समामा खुद अपना बयान अर्ज करता है, अपना बयान नकल करता है। मैं मदीने से निकल रहा था, मेरे जितने कदम आगे बढ़ रहे थे, मेरा दिल उतना तेजी से पीछे चल रहा था। कदम आगे को जा रहा था, मेरा दिल पीछे को आ रहा था। थोड़ा थोड़ी देर गुजरी, वापस आया, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। मेरे आका अपना सर झुकाए अल्लाह का जिक्र कर रहे थे, जब अकिया उठाई, जब नजरें उठाई, सामने समामा खड़ा है। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारत फरमाया, ओ समामा मैंने तो छोड़ दिया था, क्यों वापस आ गए? कहने लगा, जवाब सुनो मुसलमानों, समामा कहने लगा, ओ मोसिने इंसानियत, अरे छोड़ा तब था जब देखा नहीं था, अब तो आंखों से नबूवत का चेहरा देख लिया है, अब तो मैं यहीं पर मरूंगा, यहीं पर जीऊंगा। कहने लगा, काली कमली वाले मुझे अपना बना कर क्यों छोड़े हो?
ऐसा भी कोई करता है, पहले दीवाना बना बैठे हो, अपने अखलाक का दीवाना बना लिया, अब दीवाना जब बन गया तो क्यों छोड़े, मैं तो कयामत तक के लिए तेरे कदमों पे सर रखने आया। और कहने लगा ला इलाहा इल्लल्लाह, कयामत आ जाएगी मैं जाने वाला नहीं। बड़ी अजीब बात है, मुल्क का गवर्नर ईसाई मजहब का, अखलाक का जाल जो डाला पैगंबर ने, तो आजाद होकर खुद को गुलाम समझ रहा था और पलट कर आया और कलमा मुस्तफा पढ़ करके मुसलमान बना है। आज हालत यह है कि हमारी बीवी, हमारे बच्चे हमारी बात नहीं मानते। कभी सोचा तुमने, कभी गौर किया तुमने कि वजह क्या है? जानवर बात नहीं मान रहा, गांव के लोग बात नहीं मानते, अपनी सगी बीवी बात नहीं मानती, अपने बच्चे बात नहीं मानते। क्यों? इसलिए कि तुम्हारा अखलाक बिगड़ गया, मुस्तफा का अखलाक नहीं। हर कोई अपने आप में मस्त है और अपनी जिंदगी को सबसे आला जिंदगी समझता है, फिर शिकायत हुकूमत पे डालेगा। हुकूमत जालिम आ गई, नेता जालिम हो गया, ये पार्टी जालिम है, वो पार्टी जालिम है, वो सारी दुनिया को जालिम के चश्मा से देखने वाले कभी कभी अपने चार अंगुल के गिरेबान को भी देखा कर। कभी कभी अपने गिरेबान में भी झांका करो तो पता चल जाएगा कि तुम कौन हो, तुम्हारा अखलाक क्या हो गया, तुम्हारी मोहब्बत क्या हो गई और तुमने कितना प्यार बांटा है सुबह से लेकर शाम तक। चार किस्म का गोश्त का सालन बनाकर घर में पूरे महल्ले में खुशबू फैला करके खाते हो बीवी बच्चों के साथ, और पड़ोस का एक गरीब आदमी तुम्हारी खुशबू से सारी रात सोता नहीं है। तुमने कितनी बार उनके घर सालन पहुंचाया, जरा बोलो तो सही, कितनी बार तुमने पड़ोस का ख्याल किया है? याद है तुम्हें? जबकि हदीस में तो आता है कि अगर सालन की खुशबू जहां तक गई वहां तक अगर तुमने नहीं पहुंचाया तो कयामत का दिन होगा, तुम्हारा गिरेबान होगा और फातिमतुज़ ज़हरा के अब्बा का हाथ हो बचोगे। कितनी मरतबा रास्ता चलते हुए मुसाफिर को तुमने ठंडे पानी का बोतल बांटा है? जितने स्टेशन है जाकर के देखो, काफिर लोग, पंजाबी लोग, यहूद और नसारा खड़े होकर के ये गर्मी के मौसम में पानी का बोतल बांट रहे हैं। मुसलमान है का गया था? अखलाक मुआशरे में अगर सर बुलंदी चाहते हो, मुआशरे में अगर सुरखुरुई चाहते हो, मुआशरे की इस्लाह चाहते हो, तो सबसे पहले तुम्हें ये काम करना पड़ेगा कि आपको उस पटरी पे अपनी गाड़ी को चलानी पड़ेगी जिस पटरी पर मुस्तफा ने गाड़ी चलाई। उस नहज पर दो चार पैसा किसी को चंदा क्या हम दे देते हैं कि हातिम दाई के नवासे समझ बैठते हैं। तुम हमसे बड़ा कोई नहीं, हमने ये किया, चलो ठीक है तुमने किया, लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दे दो, माँ के पेट से जिस दिन तुम पैदा हुए थे कितना पैसा बैलेंस था तुम्हारे बैंक में? कितना था? दोनों हाथ खाली था ना जिस वक्त आए थे, तो दुनिया में आने के बाद किसने भरा किसने? अरे भरा किसने? अल्लाह ने। अब अल्लाह का घर अगर बना दिए तो इतना बड़ा एहसान, मेरा नाम मस्जिद के गेट पे लिखना पड़ेगा, मेरे नाम की मस्जिद होगी। कब तक ये बदमाशी करेंगे हम लोग?
मरना नहीं है। इसीलिए अल्लाह पाक ने कुरान करीम में इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाया, इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम। मेरे आका मेरे महबूब, आमना के लगते जिगर अब्दुल्ला के यतीम, अगर आपका अखलाक ऊंचा न होता, आप अखलाक के आला मेयार पर न होते, आज कोई बंदा दुनिया में मुसलमान नहीं होता। एक यहूदी ने अपने बच्चे से कहा, बेटा मदीने के बाजार से सौदा लेकर आ, मदीने के बाजार से माल लेकर के आ, नमाज़े ज़ुहर के बाद भेजा, टाइम गुजर गया। छोटा बच्चा था, कितना बड़ा खटावट तो नहीं आपको? माशाल्लाह बेदार है ना, बात सब समझ में आ रही है? तो छूट जाए तो बाद में पूछ लेना। छोटा बच्चा बिल्कुल 6-7 साल का यहूदी का है, इकलौता बेटा, ना आगे बेटी ना बाद में कोई बच्चा। यहूदी ने कहा, बेटा ये पैसे ले और बाजार से जाकर के सौदा ले। सौदा लेने के लिए जो गरीब निकला, जा ही रहा था कि सामने से नबूवत वाला चमकता चेहरा दिख गया। नहीं समझे? समझ गए? कौन सा चेहरा? नबूवत वाला। कौन सा चेहरा? अब मैं अगर आपके सामने सिर्फ नबूवत के उस हुस्न जमाल के पैकर का चेहरा बयान करूं तो वहीं का मामला खत्म हो जाएगा। कितना हसीन बनाया मेरे अल्लाह ने अपने नबी को। यह इंशाअल्लाह सीरत का उनवान है। मैं फिर कभी आपसे दोबारा, अगर आप हजरात ने कभी याद किया, वैसे आप दोबारा याद करते हो? किसी को याद करते हो दोबारा? और अब तो ऐसी ऐसी बीमारी आ रही है कि अल्लाह ही खैर करे, कौन झटके में बचेगा और कौन जाएगा। अब मौलाना लोग तो ऐसे ही मर रहा है। बड़े बड़े मौलाना को देखो, पिछले कोरोना में क्या हुआ, दुनिया के सारे शेखुल हदीस तकरीबन इंतकाल कर गए। तो अगर आपने फिर कभी याद किया तो मैं हुस्ने मुस्तफा आपको बताऊंगा। क्या बताऊंगा? सिर्फ पैगंबर का हुस्न, बस और कुछ भी। बहरहाल वो था तो छोटा बच्चा 7 साल का, लेकिन नूरे नबूवत को जो देखा सामने से आता हुआ तो यूं हाथ बांध कर खड़ा हो गया और आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गौर से देखने लगा। जैसे अभी ये बच्चा एक गेट पे खड़ा हुआ था और हाथ बांध करके हमको गौर से देख रहा था, तो मुझे वही याद आ गया। वहां यहूदी का बच्चा था सामने पैगंबर, यहां मोमिन का बच्चा है सामने पैगंबर का वारिस। नहीं समझे? ऊंची बात हो गई। वहां यहूदी था सामने पैगंबर, यहां ईमान वाला और सामने नबी का वारिस। तो वारिस को कुछ ना कुछ तो वहां से ट्रांसफर होता है ना, होता है ना। मान लो इस बात को कि मौलवी नबी का वारिस होता है, नहीं माने तो खराबी आएगी। और भूल से भी आपको खुदा का वास्ता देकर कहता हूं, मौलवी को खिलाओ मत, पिलाओ मत, पैसे मत दो, तोहफा मत दो, तहायफ मत दो, कुछ मत करो, लेकिन खुदा का वास्ता किसी छोटे से छोटे मौलवी की भी तौहीन मत करना। ये अल्लाह का वास्ता देकर कह रहा हूं। तौहीन इसलिए कि अल्लाह को हर चीज पसंद है, हर चीज को अल्लाह बर्दाश्त कर लेगा, आलिम की तौहीन को अल्लाह बर्दाश्त नहीं करेगा। क्यों? इसलिए कि हदीस में आता है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आलिम की तौहीन इल्म दीन की तौहीन। इसकी आलिम की तौहीन इल्म
अरे मौलाना अगर कोई गलती करे तो आप जब मौलाना को पकड़ के मारते हो तो क्या कहते हो, मौलाना होकर ये किया, यही कहते हो ना, आलिम होकर, बोलो ना, आलिम होकर ये किया, आलिम न होता तो पता चला तुम मारते भी नहीं, तो आलिम इल्म की वजह से बना ना। तो अगर मौलाना की गलती की वजह कर इल्म की तौहीन हुई तो तुम्हारे तौहीन की वजह कर भी मौलाना के इल्म की तौहीन हुई। तो आपा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आलिम की तौहीन इल्म की तौहीन, और इल्म की तौहीन मेरी तौहीन, और मेरी तौहीन जिब्रील की तौहीन, और जिब्रील अमीन की तौहीन अल्लाह की तौहीन। इसीलिए मौलाना इयास साहब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया कि आलिम की तौहीन करोगे ईमान पर खात्मा नहीं होगा। मरने से पहले ईमान से महरूम हो जाओगे। तो गौर से देख रहा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी नबुव्वत वाली आंख डाल ली उस बच्चे के ऊपर। आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ रहा है। हदीस में आता है कि खुदा की कसम था तो बच्चा, मगर चेहरे नबुव्वत पे जो नजर पड़ी तो अखिया जो खुली तो पलट भी नहीं मार रहा, ऐसे भी नहीं कर रहा है, देख रहा है तो बस देख रहा है। और क्यों ना हो, इतना हसीन अल्लाह के नबी को अल्लाह ने बनाया था। इब्ने मुरारा एक सहाबी हैं, शमाइल तिर्मिजी के अंदर यह वाकया लिखा है, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबवी में बैठे हुए थे आंगन में, मस्जिद के आंगन में, और बिल्कुल सर के ऊपर चौदानी का चांद निकला हुआ। इब्ने मुरारा कहते हैं कि मैं बाहर से आया, अंदर जब जाने लगा तो मैंने देखा कि नीचे पैगंबर और ऊपर चांद। तो इब्ने मुरारा कहते हैं कि मैं देखने लगा कि चांद ज्यादा खूबसूरत है आसमान वाला, या आमना का चांद ज्यादा खूबसूरत है। आसमान वाला चांद ज्यादा खूबसूरत है या आमना का चांद ज्यादा खूबसूरत है? तो इब्ने मुरारा कहते हैं मैंने बहुत गौर किया, बहुत गौर। बिलाखिर हजरत इब्ने मुरारा कहते हैं कि ओ चांद, मैंने बड़ा गौर से तुझे देखा, मगर तेरे अंदर भी मुझे ऐब नजर आया। आमना का चांद इतना खूबसूरत है, कोई ऐब दिखता नहीं। और हजरत इब्ने मुरारा कहने लगे, ओ चांद, ऐसा लगता है कि तू भी मेरे हुस्न का, मेरे आका के हुस्न का सदका लगता है। अल्लाह पाक ने मेरे आका से हुस्न तुझे अता फरमाया, तेरा हुस्न क्या, मेरे आका का हुस्नो जमाल क्या। तो जो इतना खूबसूरत होगा उसको कोई देखेगा तो अखिया हटाएगा? अरे बोलो, हटाएगा। आज तो पर्दे की हालत में कॉलेज की कोई बच्ची जा रही हो तो हम इतना गौर से देखते हैं जहां तक आप काम कर रही हो, जहां तक काम करे वहां तक क्या करेंगे। हालांकि बदन भी ढका है, चेहरे के ऊपर बुर्का भी है, सब कुछ है, इसके बावजूद देख रहा है कि इसका चलना बहुत अच्छा है। जो आका इतना हसीन हो, इतना खूबसूरत हो, भला उसको जब कोई देखे तो अपनी आंख हटाएगा? नहीं हटा सकता। अब जो यहूदी का बच्चा देख रहा है तो बस देखता ही जा रहा है। असर का टाइम निकल गया, मगरिब का टाइम निकल गया। जब मगरिब का बाद हो गया, यहूदी बूढ़ा बाप परेशान के बाजार जो गया, अब तक आया नहीं, गेट के बाहर आकर के खड़ा हो गया। बाप की मोहब्बत अलग चीज होगी। बेटा अगर किसी का परदेश जाए, खुदा की कसम जल्दी वापस ना आए, बाप को नींद नहीं आती है।
और बाबा 80 साल का अगर बड़ौदा चला जाए और रात के 12 बजे तक नहीं आए तो बेटा की आंख से नींद गायब ही नहीं होती, सोता ही रहता है। ये फर्क है बाप बेटे में, समझ रहे हो जी? ये फर्क है बाप बेटे। बेटा अगर बाजू के घर से 2 मर्तबा खांस दे, बूढ़ी अम्मा फौरन उठ करके जाएगी, दरवाजा खटखटाएगी, बेटा क्यों बार बार खांसते हो, तबीयत तो ठीक है ना। लेकिन बूढ़ी माँ अगर सारी रात खांसती रहे, ये जालिम अपने एयर कंडीशन कमरे से निकल कर नहीं आए। मजे करो, मजे करो, बहुत जल्द मौत आएगी तो अल्लाह को जवाब दोगे इंशाअल्लाह। ऐसी हरकत ना क्या करो। पूरा बाप दरवाजे पे आकर के खड़ा हो गया, देखा कि इशा के करीब वो मासूम बच्चा चलता हुआ चला आ रहा है, झोला में कुछ नहीं, खाली है झोले में। जब दरवाजे पे आया फुल गुस्से में आ गया बाप, कहने लगा कि एक तो इतना लेट आया, अब उस पर से खाली हाथ आया, लाया तो क्या लाया। अल्लाहु अकबर ओ कबीरा, मासूम फरिश्ता बच्चा है मगर जवाब सुनो। कहने लगा पापा बड़ा कीमती सौदा लाया हूं। कहने लगा पूजान, ऐ काश कि तुम्हारे अंदर भी वो आंख होती जो आंख मुझे अल्लाह पाक ने अता फरमाया, मेरा वो सौदा तुम अपनी आंखों से देख लेते, मेरे बाबा जान कायनात का सबसे कीमती सौदा किया हूं। उलमा इकराम ने लिखा उस मासूम का मामूल बन गया, उसकी आदत बन गई, हर दिन का ये मामला हो गया। मस्जिद नबवी में जाकर के बैठ जाता था, पिछली सफ में बैठ जाता था, मिंबर पर इमामुल अंबिया बैठ जाते, वो मासूम बच्चा पीछे से देखता रहता आंखों से देख लेते, मेरे बाबा जान कायनात का सबसे कीमती सौदा किया हूं। उलमा इकराम ने लिखा उस मासूम का मामूल बन गया, उसकी आदत बन गई, हर दिन का ये मामला हो गया। मस्जिद नबवी में जाकर के बैठ जाता था, पिछली सब में बैठ जाता था, मिंबर पर इमामुल अंबिया बैठ जाते, वो मासूम बच्चा पीछे से देखता रहता। और कहता कि मेरे महबूब जब तक तुझे मैं देखूं ना मुझे नींद नहीं आती। कहते तो आदमी है लोग, ये बात कहते आदमी हो, मेरे महबूब जब तक तुझसे बात ना करो दिल को चैन नहीं मिलता। जब तक तुझे व्हाट्सएप पे इंस्टाग्राम पर एक गलत देखूं नहीं नींद नहीं आती। लेकिन फर्क देखो, ऐ काश तुम थोड़ा सा इस जुमले को बदल देते, ए रब के कलाम जब तक तेरी तिलावत ना करूं नींद नहीं आती, जब तक ये कुरान ना खोलूं नींद नहीं आती, और जब तक तहज्जुद की 2 रकात ना पढूं नींद नहीं आती। लेकिन जालिम कहता क्या है, जब तक तुझसे बात ना करूं नींद नहीं आती। अल्लाह ना करे इस हालत में किसी की मौत ना, बहुत गुस्सा हो। सोने से पहले क्या करनी चाहिए, अल्लाह का नाम लेकर के सोनी चाहिए, जो हकीकी महबूब है, जिससे सबसे ज्यादा प्यार करना है। तो हर दिन जाकर के बैठ जाता था, हर दिन, और जब घर में आता खाना खाने के लिए बैठता, मोहम्मद 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 मोहम्मद, और बाप बगल में खड़ा हुआ सुनता है पागल हो गया है क्या। बाप क्या बोलता, अरे पागल आगल हो गया है क्या, सोता है तो मोहम्मद
उठता है वो मोहम्मद, बैठता है वो मोहब्बत मोहम्मद। ये सबसे बड़ा कैंसर होता है, इससे बच के रहा। जब देखो मोहम्मद उठते बैठते सोते डांटते, अचानक उस मासूम बच्चे की तबीयत बिगड़ गई। इतनी तबीयत बिगड़ी कि बच्चा बेहोश हो गया। क्या हुआ? बेहोश हो गया। अब तक और यहूदी भागा भागा गया मस्जिद नबवी में, आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में कहने लगा, हे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम तो तुझे मानते नहीं, हम तो तुझे, लेकिन एक दीवाना है तेरा, मेरा बच्चा, तेरे बगैर तो वो न सोता है न उठता है न खाता है न पीता है, उसको तुमसे मोहब्बत हो गई है, अब उसका आखिरी वक्त है, अगर आप मुनासिब समझते हो तो चल करके अपने महबूब बच्चे का दीदार कर लो। क्या कर लो? और वैसे भी बीमार की अयादत करना तो सुन्नत है ना, ये तो पता ही होगा आपको। बीमार की हमारी आदत क्या हो गई, माल वाला अगर बीमार पड़े तो दिन में चार बार जाएंगे देखने के लिए, फिर साहब कैसे हैं, बगैर मतलब के तबीयत पूछता है। अड़ोस पड़ोस का कोई जवान गरीब का बच्चा यतीम बेवा अगर बीमार पड़ जाए तो क्या होता है? किसी के हाथ से बड़ा मेहरबान हुआ तो पैसे भेज दिए कि भाई फलाने को जाके दे दो, गौ इलाज करा लेंगे। हाय रे गैरत बेईमान, क्या जवाब दो क्या ना? आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुनो, मरीज की इयादत के लिए जब आदमी अपने घर से निकलता है तो उसका पहला कदम जन्नत के बाग में होता है। कहां होता है? तुम्हें लगेगा कि हम उदयपुर में चल रहे हैं, मगर मेरे आका ने फरमाया कि जन्नत में चल रहा होता है। दूसरी बात, जैसे ही कोई अपने घर से मरीज की इयादत के लिए निकलता है, अल्लाह आसमान से 70,000 नूरी फरिश्तों को उसकी हिफाजत के लिए भेज देता है। लेकिन अगर नियत में खोट हो तो 70,000 फरिश्ता खोटेगा नियत से। कोई भी हो, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई भी हो, दोस्त हो दुश्मन हो, काला हो गोरा हो, कोई भी हो, बीमार है ना, हम उसको देखने जाएंगे, इयादत करेंगे। और एक बीमार है, अपनी बीवियों को लेकर के जाओ, किस तरह से अमीरों को मीन फारूक आजम लेकर जाया करते थे कि औरतों से हम हैजत नहीं पूछ सकते, अपनी बीवी को लेकर जाएंगे, बीवी को छोड़ देंगे, जाओ जरा उसकी इयादत करो, उसको सबर दो, खैर खैरियत। यही अपना दुनिया के हालात बदल सकते हैं या नहीं, अगर तुम इस रास्ते पे दोबारा आ गए तो आप कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं है। ये सियासी लीडर जितना चाहे कर ले, इस्लाम को नुकसान नहीं होगा। अगर हमारा अखलाक अच्छा हो गया, हम प्यार बांटेंगे। क्या बांटेंगे? तुम नफरत बांटो, हम प्यार बांटेंगे। तुम गुस्सा करो, हम मुस्कुराते रहेंगे। फिर देखो दुनिया के हालात। यहूदी ने कहा कि वो बच्चा बस आपका जिक्र करता रहता है, अगर आप मुनासिब समझे तो चलिए जरा उस बच्चे को देखिए। अल्लाह अकबर, इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया, मस्जिद नबवी ने ऐलान किया, अबू बकर खड़े हो जाओ, उमर खड़े हो जाओ, अली खड़े हो जाओ, उस्मान खड़े हो जाओ, उबैदा इब्न जर्रार तैयार हो जाओ, अनस इब्न मालिक तैयार हो जाओ, ओ मेरे बिलाल तैयार हो जाओ, आज मैं अपने यार से मिलने जाऊंगा। यहूदी चला गया, चारों यार को लेकर इमामुल अंबिया निकले,
यहूदी के मकान पर पहुंचे, उस महरूम के सराने में खड़े हो गए। नबुवत वाला हाल, नबुवत वाला हाल उस बच्चे की पेशानी पे रखता, माथे पर रखता, फौरन बच्चे की आंख खुल गई, चेहरे पे मुस्कुराहट दौड़ने लगी। ईमान वाला तो नहीं है, कुरान वाला तो नहीं है, मिंबरों मेहराब वाला तो नहीं है, कलमे तौहीद वाला तो नहीं है, यहूदी का बच्चा देख, मेरे महबूब का प्यार देख। यहूदी का बच्चा देख, मेरे आपा का अखलाक देख। नबुवत वाला हाथ माथे पे रखा, आंख खुल गई, दुनिया बच्चे को मिल गई, मुस्कुराने लगा। मेरे आका ने फरमाया, ओ बेटे अल्लाह के नबी का कलमा पढ़ ले। आखिरी वक्त है, कलमा पढ़ ले। कहने लगा, मेरे आका मैंने इबादत कोई न की, मैं कलमा पढ़कर क्या करूंगा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ओ बच्चे कलमा पढ़ना तेरा काम है और जन्नत को दिलाना मेरा काम है। जन्नत मेरी है, जन्नत मेरे रब की है, कलमा तू पढ़ ले, जन्नत का वादा मैं मोहम्मद करता हूँ। ने लिखा है, अभी आंख खुली है, अल्लाह ने हरकत दिया, लिखा है रूह बाहर आई, कलमा अंदर गया। हाय हाय, हम जब मरने लगते हैं तो हमारी आंखों के सामने हमारी बीवी होगी, बेटी होगी, बेटा होगा, बंगला होगा, गाड़ी होगी, कार होगा, कारोबार होगा, तिजारत होगा, यही ना जब गुजार होता है, बोल भाई यही होगा ना। लेकिन बार यहूदी का बच्चा कितना मुकद्दर का सिकंदर है कि तेरा आखिरी वक्त है तो कायनात का पैगंबर सामने पड़ा है। इसलिए पूरी जिंदगी के इबादत पे फकर ना किया करो। मामला तो फकत आखिरी मरहले का शुमार किया जाता है, बस आखिरी में कैसा रहा। रूह बाहर आई, कलमा अंदर गया, वो यहूदी पूरा बाप दौड़ करके आया और कहने लगा, ओ गाली गंदी वाले, अब ये बच्चा तो मुसलमान है, मेरा तो रहा नहीं, मेरा तो बड़ा बोल बोल खाने माने से तो भाई होते ना, इंशाल्लाह अब खाएंगे बोला बोल। क्या कहा, अब ये बच्चा आपका है, कलमा पढ़ लिया, मेरा तो है नहीं, लिहाजा अब इसका कफन दफन जनाजा सब कुछ आप करोगे, बच्चे को उठाकर अपने साथ ले जाओ। कितनी नमाज पढ़ी थी, कितने तहज्जुद, कितना सदका, कितना खैरात, कितना हज, कितना नमाज। इसलिए हाजी साहब, काजी साहब, नमाजी साहब, अपने हज पे, नमाज पे, सदके ज़कात पे इतराया मत करो। अल्लाह ताला तेरी इबादत के बदले तुझे जन्नत नहीं देगा, तेरी नियत के बदले तुझे जन्नत देगा अल्लाह। कितना साफ नियत वाला, कोई नमाज रोजा हर जगह तैरा सकता कुछ नहीं, आखिरी लम्हे में कलमा पड़ा और कहां जा रहा। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, अबू
उस्मान अली आओ तैयार हो जाओ, मेरे यार का जनाजा उठाओ। आसमान की आंखों ने, जमीन की आंखों ने वो गौर से देखा कि किस यार का जनाजा है जिसके जनाजे को इस्लाम के चारों खलीफा ने उठाया। आज तक कोई ऐसा जनाजा नहीं हुआ जिसको चारों खलीफा उठा रहा हो और आगे आगे नबूवत का सरदार जा रहा हो। और उसी वक्त इमाम लंबिया महबूब के लिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ओ लोगों, मैं इंसानों को जहन्नम से बचाने आया हूँ, जहन्नम से बचाने आया हूँ, जहन्नम में डालने के लिए कोई नहीं। अगर मेरी वजह कर कोई आखिरी वक्त कलमा पढ़कर जन्नत में जा रहा हो तो मेरा बिगड़ेगा, उसका बन जाए, मेरा बिगड़ेगा कुछ नहीं, अब उसका सब कुछ बन जाए। चारों खुला पानी उठाए, अबू बकर, उमर, उस्मान, अली, आगे आगे नबी जा रहे हैं, पीछे पीछे बिलाल जा रहे हैं। मदीने में पहुंचे, नबी ने अपने हाथ से गुस्ल दिया। क्या किया? अपने हाथ से गुस्ल, और अंदर जाकर के फरमाया, आयशा जरा मेरा वो चादर निकाल कर लाओ, मैं चाहता हूं कि मेरे महबूब को बाजार का कफन न दिया जाए, मोहम्मद की चादर उसकी कफन बन जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल दिया। कितना नसीब वाला वो बच्चा है, कितना मुकद्दर वाला वो बच्चा है कि जिसको आखिरी वक्त भी पैगंबर की ज़ियारत हो और जिसकी मैयत को नबूवत वाले हाथ से धुलाया गया हो। नबी जिसके जनाजे को खुद धो रहा हो, अंदाजा लगा उस मैयत का मकाम क्या होगा। बाजार की चादर जिसकी कफन न बने, आकाए तो जहां की वो चादर कफन बने, जिस चादर पे अल्लाह का कुरान उतर रहा हो। अंदाजा तो लगा कितना नसीब वाला है, आज वो चादर इसको कफन में मिल रही है जिस चादर पे जिब्रील अमीन आकर बैठे हो। कौन मुकाबला करेगा पैगंबर के अखलाक का, कौन मुकाबला करेगा पैगंबर की मोहब्बत और प्यार। बड़ा आसान है जलसा कराना, बड़ा आसान है तकलीफ कर देना, है शहादत कहे उन पर में कदम रखना, और जो आसान समझते हैं मुसलमान होना, कुरान सुन्नत का बयान सुनना कोई आसान काम है। और वो भी अगर किसी तरह बयान कर भी दे तो क्या अमल आसान है? हमारे अखलाक का जनाजा निकल गया, दम घुट गया, सारे अखलाक हमारे खत्म हो गए, प्यार खत्म हो गया, उल्फ खत्म हो गया, मोहब्बत नाम की कोई चीज हमारे अंदर बाकी नहीं। बीवी को शिकायत है सौमर के अखलाक का, बच्चों को शिकायत है बाप के अखलाक का, इमाम को शिकायत है मुक्तदी के अखलाक का, तालिबे इल्म को शिकायत है उस्ताद के अखलाक का। हर जगह अखलाक की कमी हो गई, मोहब्बत की कमी हो गई, प्यार की कमी हो गई। एक मरतबा आप जुमे का खुतबा दे रहे थे, जुमेरात का दिन था,
टाइम कुछ ज्यादा तो नहीं हुआ भाई, माना ज्यादा नहीं हुआ ना, जुमेरात का दिन था। मदीने के बाहर गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी जो चरखे पे धागा तैयार करके चादर बनाती थी। चरखा जानते हैं ना, क्या बोलते हैं गुजराती में मुझे नहीं पता, अल्लाह ने बताया चरखा। तो उसने अपने हाथ से हरी और लाल ये दोनों कलर के धागे बनाकर अब उस धागे से एक रुमाल चादर तैयार करके हदीये में भेजा था आप अल्लाह सल्लम को जुमेरात के दिन। और साथ में ये कहलवा दिया मौलाना, मेरे नबी आपको अल्लाह का वास्ता है कि कल जुमे की नमाज में मेरी इस चादर को सर पे बांध करके जुमे का खुतबा देना। बहुत खूबसूरत भी मुझा लाल और हरे धागे पे पड़ी हुई, बहुत जुमे का दिन आया। नबी ने अपने जिस्म के ऊपर जो उस हसीन चादर का अमामा बांधा तो सहाबा कहते हैं कि ऐसा लग रहा था कि चांद मस्जिद नबवी में उतर आया। अच्छा सुभान अल्लाह बोलने का भी कुछ लेना देना है, बोल दिया करो भाई, या गुनाह है किसी ने मौसी ने कहा हो कि गुनाह होता है, कम से कम बोल दोगे तो इतना समझ में आएगा कि कुछ समझ में आ गया, पूरा कुछ समझा नहीं पाऊंगा, कुछ समझ में आ जाए। इतने खूबसूरत है देख बना, अब जो मस्जिद के मिंबर पर आप तशरीफ रख के अरबी खुतबा देने के लिए तो मस्जिद नबवी के एकदम आखिरी सब में एक देहात का बूढ़ा बैठा हुआ कैसा, बिल्कुल बूढ़ा 90-95 साल का रहा होगा लेकिन आंख हम जैसे कि पी नहीं तो 12 साल का चश्मा लग रहा है माशाल्लाह, अरब का खाना पूरा चश्मा चश्मा नहीं। अल्लाह सब में बैठा हुआ पूरी मस्जिद में जितने बैठे हैं वो आका के चेहरे को देख रहा, सहाबा नबी के चेहरे को देखते हैं और वो जो पूरा पिछली सब में बैठा था वो नबी की चादर को देख रहा था, अमामा को देख रहा था। आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर उस कुत्ते पे पड़ रही थी, हाथ से आंख दो, अल्लाह के नबी उसके चेहरे में देख रहे हैं और वो नबी के अमामा को देख रहे हैं। नमाज खत्म हो गई, नमाज के खत्म होने के बाद सहाबा चले गए अपने अपने घर को, दो तीन सहाबा चारों यहां बैठे रह गए, फिलहाल बैठे रह गए उमर, हजरत अबू बकर, हजरत उस्मान, हजरत अली, वो पूरा आदमी बस नमाज भी हो गई, नमाज के बाद भी खड़ा होकर वो ऐसे ही देख रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उमर जरा इसको बुलाकर चिल्लाओ नमाज के पहले से मैं देख रहा हूं इसकी हालत, ये क्या कर रहा है। आया करीब आया फरमाया कि ये बता तू जुमा पढ़ने आया था ना, जी हाँ, तो सब मुझे देख रहा था तू मेरे चादर को देख रहा था, वजह क्या है, कहा कि पसंद आ गया। क्या कहा, पसंद आ गया। ये जुमला जब उसने कहा तो हजरत उमर पीछे से गए, ऐसा हाथ मांग के पीछे से गए और क्या करके बूढ़ा को ये क्यों है नहीं, हदीस में लिखा है ये क्यों नहीं, ये क्यों नहीं का तुम्हारा तेरी माँ है, मेरे आका ने जिंदगी भर पेवंद लगाकर कपड़ा पहना और आप जमाने के बाद एक नया रुमाल सर पे बांधा तो पसंद आ गया। और बूढ़ा था के हाथ का बहुत होशियार, कहने लगा या रसूल अल्लाह देखिए ना उमर मार रहा है। खुदा की कसम कोई बेटा भी अपने बाप से उसकी मोहब्बत नहीं करेगा जितना मुझसे नहीं, इंसानियत के सहाबा अपने महबूब से मोहब्बत करते हैं, बात छोटी हो या बड़ी अपने महबूब से जाकर कहते थे, कहा कि अल्लाह के रसूल देखिए ना उमर पीछे से आके मार रहा है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलटे
और कमाया उमर लाख तकलीफ ऐसे खड़े हो गए, ऐसे मुंडी झुका के मुंह देख रहे हैं बूढ़े को, और पूरा भी मुंह भूल के देख रहा है। रास्ते है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चादर पसंद आ गई, कहा कि आपके घर में चादर नहीं है। कहा या रसूल अल्लाह चादर की तो कंपनी हमारी है। कहा कही है हमारे घर में चादर की फैक्ट्री है, चादर बनती है। कहा फिर क्यों लोग ये कहा क्यों लोग ये कहने लगा इमामुल अंबिया यही मस्जिद है, यही मस्जिद नबी का मेहराब है, मिंबर है। मेरे कान ने कुछ दिन पहले आपकी तकरीर सुनी थी, आपने फरमाया था कि जो कपड़ा नबी के जिस्म से लग जाए उस कपड़े पे जहन्नम की आग हराम है। आज मुझे मौका मिल गया, आप जब ये चादर दोगे मैं अपनी बीवी को चादर दूंगा और ये कहूंगा हिफाजत से रखो, मौका बड़ा अच्छा मिला है। जब मेरी मौत आ जाए तो मुझे बाजार का कफन नहीं ये चादर देना। फरमाया इमामुल अंबिया मैं बूढ़े गिर गया, हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी क्या बात है, तुम मेरे यार हो, तुम मेरे साथी हो, जहन्नम का क्या डर। दो चार तहज्जुद पे गुरूर करने वाले, दो चार पैसा सदका करने वाले, दो चार हज करने वाले, दो चार रुको कुरान पढ़ने वाले, दो चार पैसा तालिबे इल्म को देने वालों, बूढ़े मियां का जवाब सुनो। कहने लगा मेरे आका मेरे इबादत की गारंटी कोई नहीं, मेरी नमाज की गारंटी कोई नहीं, मेरे हज की गारंटी कोई नहीं, मगर इस चादर की गारंटी है। मेरी इबादत जहन्नम से बचाए ना बचाए आपकी मुबारक चादर तो बचा लेगी। अल्लाह अकबर, ये जुमला जो सुना हजरत अबू बकर खुदा की कसम कलेजा भर गया और देहाती को जाकर सीने से लगाया, ऐ काश जहां तक तेरा दिमाग गया मैं उन्हीं गया, उमर का जाता तो तुझसे पहले जाता मान लिया। लेकिन उमर तो बस उमर, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उतारा और उसके हवाले कर दिया, कहा कि ये लो आ क्या खुशी। अजीब नबी थे हमारे, अजीब पैगंबर अल्लाह पाक ने हमें अता किया। खुदा की रास्ते में जा रहे हैं चलते चलते मदीने से निकलकर गांव में गए तो एक बाजार आ गया। क्या आया? बाजार आ गए। बाजार में मेरे आका का एक सहाबी रंग का बिल्कुल काम, रंग का बिल्कुल काम, अब बदन में खाली हड्डी, पूरे बदन का गोश्त वजन करो तो 20-25 किलो बस। गांव देहात का रहने वाला खड़ा होकर के बाजार में साग बेच रहा था, पालक का, दूसरा क्या बोलते हैं यहाँ साग को, क्या बोलते हैं अलग, क्या बोलते हैं गुजराती में साग को, सब्जी, माशाल्लाह बेच रहा था। आवाज लगा के आपका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को दूर खड़ा कर दिया, कहा कि तुम लोग मत आना, उठे जाने दो। अब पीछे से चलकर आहिस्ते 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 वहां तक पहुंच गए। वो बेचारा अपनी मस्ती में माल बेच रहा है, जल्दी से गए और जाकर के पीछे से अंत बंद कर दिया।
दोनों हाथ बंद कर दिए। अब उसने कहा हाथ को पकड़ के फरमाइश सब्जी बेच रहा हूं शरारत कर रहा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे बुरा रहे, अब थोड़ा सा इधर से और इधर से हल्का कर दिया। अगर और कसके दबा देती तो गाड़ी वाली सब देते जाने की। हल्का सा यूं छोड़ा तो वो साहबी ऐसा जो पीछे से कुर्सी से देखा तो हाथ पे मदद पड़ गई। बाबा हो बाबा, ये तो नबी का हाथ लग रहा है। वो समझ गया कि कोई आओ नहीं, हलीमा का लाडला करा है। हलीमा का लाडला, बस फिर चुप हो गया खामोश। अपनी पीठ को नबी के सीने में यूं सटाने लगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने छोड़ा और यूं चेहरा को देखा तो मुस्कुराने लगा। कहा मेरे आका, नबूवत वाले हाथ से नबूवत की खुशबू आ रही थी, तुझे कौन नहीं पहचाने। देख लो एक पॉइंट, पता ये चला कि पीछे से आकर आंख बंद करना मजाक में ये भी सुन्नत है, ये भी सुन्नत है। लेकिन कैसे बंद करोगे, गाली देने से पहले छोड़ देना, वरना फिर सुन्नत के चक्कर में उतरी गाली दे देगा तुमको गुनाह हो जाएगा। तो कभी कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजाक भी किया करते थे सहाबा, मजाक भी क्या करते थे। और ये लंबी फहरिस्त आज इसका मौका नहीं। पहला तो यहूदी के बच्चे को गुसल दिया, अपनी मुबारक चादर में उसको दफन किया, उसको कफन पहनाया और सहाबा से फरमाया कि अब मेरे महबूब का जनाजा लेकर चलो। कहा जन्नतुल बकी में, जन्नतुल बकी में गए, कबर खोदी गई, कबर खोदी गई। अल्लाह अकबर और कबीरा, मेरा तेरा जनाजा चाहे जितना बड़ा सेठ मां सेठ हो, जितना बड़ा अल्लाह वाला हो, जितना बड़ा इंसान हो, तेरे जनाजे को कोई यार कब्र में उतारेगा। अब्बा जनाजा उतारेगा, लोग जनाजा उतारेंगे, किसी का जनाजा यार उतारेगा। वो यहूदी का बच्चा कितनी किस्मत वाला है, तेरी मैयत को कायनात के शहंशाह ने उतारा। इमामुल अंबिया महबूबे किबरिया हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब्र में उतरे। अब कब्र में उतरने के बाद जानते हो हदीस की किताब में लिखा है कि मेरे आका जो कब्र में उतरे तो आप पूरा पांव रख के कब्र में खड़े नहीं हो रहे थे, बल्कि इस पंजे पे खड़े हो रहे थे, यूं खड़े हो रहे थे, पूरा पांव नहीं रख। सहाबा देख रहे जानता है क्या मामला है, क्या मामला है ये। जब सारा मामला हो गया तो सहाबा ने पूछा, मेरे आका आप पूरा पांव रखकर कब्र में क्यों नहीं खड़े हो रहे थे, अपने पांव के पंजे पे क्यों खड़े हो रहे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इशारा फरमाया, क्या बताऊं, फरमाया मैं जो कब्र में उतरा तो मैं परेशान था, पूरी की पूरी कब्र मेरे उतरने से पहले फरिश्तों की जमात से भर गई थी। हर फरिश्ता चाहता था मैं मेरे महबूब को हाथ लगाऊं, हर फरिश्ता लड़ाई कर रहा था मैं कहां पर पांव रखता। अरिशाल फरमाया अबू बकर इससे भी बड़ी बात सुनो, आसमान से जन्नत की हूरें आपस में मुकाबला कर रही थी कि मेरा शौहर है। पूरी की पूरी कब्र है
जन्नत की हूरों से भर गई, ये इश्क का मसला है। क्या ये इश्क का मामला है? जितना हाई वोल्टेज इश्क होगा अल्लाह से, अल्लाह के नबी से, मकाम भी उतना ही बड़ा बन जाएगा। मैं समझता हूं कि ये पौने दो घंटे का वक्त हमारा जाया गालिब नहीं गया। इंशाअल्लाह अल्लाह ने जितना हयात रखा, आप हजरात ने याद किया, तो मुख्तलिफ मुनवान पे मुख्तलिफ